तो कहा जाता है यही वो टहनी है जहाँ से श्री कृष्ण जी ने छलांग लगाई थी कालियानाग को वश में करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, और अभी हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं वो है वृंदावन का वो स्थान जिसे कालिदेह घाट बोला जाता है। और दोस्तों, जिसने श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कालिदेह घाट किसलिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो घटना हुई थी जब कालियानाग ने यमुना नदी के अंदर अपना वास कर रखा था और उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें उससे मुक्त कराया था। तो पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला, इसी जगह के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ है तो ये कालिदेह घाट, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे वृंदावन के अंदर ऐसे घाट हैं जिनकी अब यही हालत हो चुकी है, क्योंकि सामने सड़क बन गई है और कुछ ज़मीनें हैं जो दुकानें और मकान बन गए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अभी वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्योंकि पहले दोस्तों जो ये घाट है ये यमुना के नदी के पास ही हुआ करता, यहीं पर यमुना जी बहा करती थी। अब लेकिन यमुना जी का मोड़ बहुत दूर चला गया और बहुत से घाट हैं जो अभी यमुना जी से वंचित हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं उस पेड़ के पास, उस कदम के पेड़ के पास जहां पर श्री कृष्ण जी ने छलांगा लगाई थी। जी हां दोस्तों, जब यमुना जी के अंदर कालियानाग का वास था तो उस कालियानाग को वश में करने के लिए श्री कृष्ण जी ने इसी पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई थी। और दोस्तों अभी मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ, लेकिन जो श्री कृष्ण भक्त हैं उनको इस स्टोरी का, उनकी लीलाओं का सब कुछ पता होगा। लेकिन दोस्तों जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि यमुना नदी के अंदर कालियानाग रहा करते थे और इसी नदी के अंदर जब बहुत से लोगों को वो परेशान किया करते थे, गांव के लोगों को, तो श्री कृष्ण जी ने मन बनाया कि अब उसका समय हो चला है, अब मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो श्री कृष्ण जी खेलने के बहाने जो ग्वाले थे उनको साथ में लेकर आते हैं और यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं इसके पास, और जानबूझकर श्री कृष्ण जी गेंद को यमुना की तरफ फेंकते हैं। और यमुना की तरफ जैसे गेंद फेंकते हैं तो उसी समय गेंद जाती है पानी के अंदर। अब उनमें भगदड़ मच जाती है कि यहाँ पर कालियानाग रहता है, कौन लाएगा कौन लाएगा कौन लाएगा। श्री कृष्ण जी को तो पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ से इसी पेड़ से चढ़कर नीचे छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद नदी के अंदर चले गए और बहुत घंटे बीत जाने तक भी श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए। तो सारे चिंतित हो गए और उस समय वो सारे गांव वालों को वहां पर लेकर आ गए, इकट्ठा कर दिया। और दोस्तों उसी समय नीचे जब उन्होंने कालियानाग को वश में कर लिया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और अगर तुम यहाँ पर गाँव वालों को तंग किया या उन्हें दिक्कत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसा बोलकर उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर चलो। और जैसे ही दोस्तों आपने ये सीन बहुत बार देखा होगा फोटो के अंदर, फिल्मों के अंदर, सॉन्ग के अंदर, जब श्री कृष्ण जी कालियानाग को बाहर लाते हैं तो उसके फन पर नाच रहे होते हैं और कालियानाग ऐसे बाहर आता है। तो दोस्तों उस समय सभी गाँव वाले देखकर हैरत में हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण जी उस कालियानाग को बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुमने दोबारा यमुना जी की तरफ मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो कालियानाग सीधे निकल गए। और दोस्तों कहा जाता है एक स्थान यहीं पर है जहां पर कालियानाग सच में पत्थर के बन गए थे, उन्होंने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया था। तो ये पूरी की पूरी इसकी स्टोरी है, कहानी है दोस्तों। और दोस्तों जहाँ पर श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, जहाँ पर कभी श्री कृष्ण जी इस पेड़ पर बैठे थे, चढ़े थे, तो उसे छूकर वो अनुभूति लेना तो मैं जरूर चाहूँगा। तो चलिए और दोस्तों अभी थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठते हैं। और लेकिन दोस्तों कमाल की बात पता है क्या दोस्तों, यहाँ पर आज भी इसके ऊपर फल लगता है, जो कदम के पेड़ के ऊपर जो फल लगता है कदम, वो इसके ऊपर अभी भी लगा हुआ है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर इसके ऊपर अभी भी फल लगता है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है ये कदम के फल इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये ऐसा दिखता है दोस्तों जो कदम के ऊपर फल लगता है, जिन्होंने देखा हो उनके लिए तो आम बात होगी, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए दोस्तों
इस तरह का फल होता है इसके ऊपर। दोस्तों पक्का तो पता नहीं है, लेकिन पेड़ तो यही है, ये टहनी है या दूसरी टहनी है, लेकिन दोस्तों लगता तो यही टहनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीचे जमुना जी नीचे हुआ करती थी, और कहा जाता है यही वो टहनी है जहाँ से श्री कृष्ण जी ने छलांग लगाई थी कालियानाग को वश में करने के लिए। तो एक चीज है जो आप देख पाएंगे, उस पेड़ के ऊपर टहनी के ऊपर कुछ कपड़े बंधे हुए। देखो मैं श्रद्धा के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं उठाता हूँ, श्रद्धा सबके मन में होती है, जैसे भी होती है, कोई कैसे करता है कोई कैसे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो आप भी मानते हैं, जब यहाँ पर पहले से ये पेड़ सुरक्षित है तो हम इसको देख पाए और हमारी अगली पीढ़ियाँ भी इसको देख पाएँ, तो हमारा हक बनता है इसको संभाल के रखने का। अगर आप सोच के देखिए, अगर इस पेड़ को ऐसे, अगर पूरे को ऐसे कपड़े से बांध दिया जाए तो ये तो घुटके मर जाएगा, फिर कौन सी अगली पीढ़ियाँ नहीं देख पाएंगी। तो सभी से निवेदन है कि श्रद्धा अपनी जगह रखिए, लेकिन किसी चीज़ के साथ ऐसा मत कीजिए कि वो आगे वाली जो जनरेशन है उसको देख ही ना पाए। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, ये था छोटा सा वीडियो वृंदावन के एक स्थान काली देह के ऊपर। और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए।